नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। हरदोई में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई की 13 में से 7 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों के प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने का फैसला इसलिए लिया है जिससे कि केंद्र से प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसे भेजे जा रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में बिजली वितरण में भेदभाव को समाप्त किया है और जिला मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय तक 20 घंटे विद्युत आपूर्ति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। योगी ने कहा कि प्रदेश में नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन दिवाली जैसी रोशनी सड़कों पर लाने के लिए HCL कंपनी से सरकार ने करार किया है। इसके तहत नगरीय क्षेत्र की सभी स्ट्रीट लाइट LED की लगाई जाएंगी और इससे बिजली पर होने वाले खर्चे को कम किया जाएगा तथा इस बचत से HCL कंपनी इन लाइटों को रख रखाव करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर अतिक्रमण और छोटे व्यापारियों का अभी तक सपा और बसपा के शासनकाल में शोषण किया जाता रहा है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश ने एक फेरी नीति बनाई है। इस शोषण से लोगों को मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज कायम किया गया है, अब कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं क्योंकि अपराधियों को ये मालूम है कि ये सरकार बात के साथ साथ सख्ती से भी निपटना जानती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर देने का माहौल बनाने का काम सरकार ने किया है, इसलिए कई बड़े बड़े उद्योगपति प्रदेश में पेयजल बिजली जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए निवेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जनता से अपेक्षा की कि वह ऐसा अध्यक्ष चुने जो उनके शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सुबह उठकर अपने क्षेत्र की बिजली और पानी की समस्या को हल करने के लिए निकले और साथ ही साथ लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 लाख आवास सरकार और उपलब्ध कराएगी। जब 19 मार्च को हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने बिजली वितरण में भेदभाव को समाप्त किया। हम लोगों ने कहा कि केवल बिजली इटावा मैनपुरी तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि ये बिजली हरदोई को भी मिलेगी, सीतापुर को भी मिलेगी और साधापुर को भी मिलेगी, प्रदेश के हर जनपद को बराबर रूप से मिलेगी। बिजली के भेदभाव को समाप्त करवाया, जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 19 से 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 17 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था प्रदेश के अंदर समान रूप से कर, बिजली का कनेक्शन कितना दूर हो गया था ये तो हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश में बिजली का संकट। भाइयों बहनों, आप नाराज मत होना, प्रदेश में विद्युत का संकट आपके हरदोई ने ही प्रारंभ किया था, लेकिन हम लोग हारने के आए हैं। ये बिजली का जो संकट प्रदेश के अंदर पैदा हुआ था, आज उसे हारने के आए हैं। इतना साहस भी हो, जिन लोगों ने लूट खसोट किया उनके अंदर साहस नहीं हो सकता, वे साहस नहीं दिखा सकते। साहस वही दिखाएगा जिसने भाजपा की सरकार बनाने में अपना खून और पसीना बहाया होगा, जिसमें हर नगर निगम के अंदर, हर नगर पालिका के अंदर, हर नगर पंचायत के अंदर जितनी भी स्ट्रीट लाइट है इसको हम LED स्ट्रीट लाइट में बदलने जा रहे हैं। LED स्ट्रीट लाइट के लिए एक भी पैसा नगर निकाय को नहीं देना है, ये पैसा ESL भारत सरकार का जो उपक्रम है वह लगाएगा, कोई अतिरिक्त पैसा नहीं, बल्कि जो पहले स्ट्रीट लाइट से नगर निकाय का जो बिल आता था वह बिल जब LED स्ट्रीट लाइट लगेगी तो LED स्ट्रीट लाइट से बिल में जो कटौती होगी उस कटौती के पैसे से ESL 7 वर्षों तक उसका मेंटेनेंस भी करेगा और LED स्ट्रीट लाइट बदलेगी।